हेलो गाइस, दिस इज सुमी एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल दीप सुमी ब्लॉग्स, वेयर यू कैन फाइंड एनीथिंग एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू टूर्स एंड ट्रैवल्स। सो सबसे पहले ये बताओ कि बैकग्राउंड की व्यू कैसे लग रही है? अमेजिंग है ना? बट मैं अभी कोई व्यू पॉइंट पे नहीं खड़ी हूँ, बल्कि मैं अभी हमारे पैलिंग के होम स्टे के टेरेस में स्विट कर रही हूँ। जी हाँ गाइज, हम लोग लास्ट 2 डेज से इसी होम स्टे में स्टे कर रहे हैं, और यकीन मानो इतने बजट प्राइस में और इतने क्लियर कंचनजंगा के व्यू के साथ शायद ही कोई और होम स्टे या होटल मिले आपको पैलिंग में। ऑनलाइन तो आपको 1500 रुपीज से नीचे होटल मिलना ही मुश्किल है यहाँ। सो अगर आप भी पैलिंग आ रहे हो तो इस वीडियो को एक बार जरूर देख लो, ताकि आप ऐसे होम स्टे चूज कर पाओ जिससे आपके पैसे भी बचे और आपको सारे फैसिलिटीज भी मिल जाए। चलिए वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं, और आपको इस होम स्टे से जुड़ी सारी इंपॉर्टेंट जानकारी जैसे कि लोकेशन, प्राइस, रूम कंडीशन, डाइनिंग फैसिलिटी, सब कुछ डिटेल्स में बताते हैं। सो गाइज, हमारे पैलिंग ट्रिप के दौरान हमने स्टे किया था एक रिलेटिवली न्यू बट अमेजिंग होम स्टे द ब्लू हेवन होम स्टे में, जो कि अपर पैलिंग में चुम्बक रोड के अलोंग लोकेटेड है। गूगल मैप्स में आपको ये होम स्टे सिल्वर वुड द ब्लू हेवन के नाम से देखने को मिलेगा। पेलिंग में लोकेशन और होम स्टे किस साइड फेस कर रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेस्ट व्यूज आपको तभी मिल सकती है जब आपके होम स्टे कंचनजंगा हिल्स के साइड फेस कर रहा हो और बीच में कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना रहे। एंड दैट्स एग्जैक्टली वाई हमने इस होम स्टे को बुक किया था, क्योंकि ये वैली के जस्ट टॉप में लोकेटेड है एंड यहाँ से आपको कंचनजंगा का बिल्कुल क्लियर व्यू मिलता है इवन फ्रॉम योर रूम एंड बैल्कोनी। अब अगर आप यहाँ अपने व्हीकल या बुक्ड जीप वगैरह लेके आते हो तो यहाँ आपको पार्किंग के लिए भी इनफ स्पेस मिल जाएगा, जो कि अक्सर पहाड़ों में मुश्किल से ही मिलता है। अब इस होम स्टे में टोटल 5 रूम्स है, 2 रूम्स ग्राउंड फ्लोर में और 3 रूम्स फर्स्ट फ्लोर में। बट लेट मी टेल यू गाइज, आपको बेल्कोनी या अपने रूम विंडो से कंचनजंगा का व्यू सिर्फ ऊपर के 2 रूम से ही देखने को मिलता है, और इसलिए हमने हिल फेसिंग रूम से बुक किया था। सो आप भी बुकिंग से पहले ये जरूर कन्फर्म कर लेना। तो चलिए अब बात कर लेते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज, विच इज द रूम कंडीशंस एंड एमिनिटीज प्रोवाइडेड। सो यहाँ आपको रूम काफी स्पेसियस एंड वेल मेंटेन देखने को मिलेगा, जहाँ आपको कंफर्टेबल एंड कोजी वाला फील आएगा। रूम में आपको एक क्वीन साइज का बेड मिल जाता है, जहाँ पे 2 अडल्ट्स और 1 किड्स आराम से सो सकते हैं। बट अगर आपके साथ 2 किड्स है तो डोंट वरी, यहाँ आपको एक एक्स्ट्रा बेड भी मिल जाएगा। बेड का कंडीशन भी आपको काफी कुशनी मिलेगा, जहाँ आप आराम से अपनी नींद पूरी कर सकते हो। साथ ही यहाँ आपको फुल नीट एंड क्लीन अटैच बाथरूम भी मिल जाता है, जहाँ आपको गीजर जैसे फैसिलिटी भी प्रोवाइड किया जाता है। रूम में एक टीवी विथ फ्री वाईफाई, एक बड़ा सा कबर्ड, 2 चेयर और एक छोटा सा डाइनिंग टेबल जैसे नॉर्मल फैसिलिटी के साथ साथ यहाँ आपको 2 विंडोज भी देखने को मिलेगा, जहाँ से आप क्लियरली कंचनजंगा का व्यू ले सकते हो। एंड नाउ द बेस्ट पार्ट, जिसके लिए हमने इस रूम को स्पेशली बुक किया, इज द बैल्कोनी, जहाँ से आप रिलैक्स करते हुए कंचनजंगा और इन ब्यूटीफुल माउंटेन्स का व्यू इंजॉय कर सकते हो। एंड शाम के वक्त यहाँ आपको बॉनफायर जैसे फैसिलिटी भी अरेंज कर दिया जाता है। इस होम स्टे में आपको 2 प्यारे प्यारे पेट्स भी मिल जाएंगे, जो कि आपके बहुत ही आसानी से दोस्त बन जाते हैं। और अगर आप अपने साथ अपना पेट्स भी लाना चाहते हो तो यहाँ आप अपने साथ पेट्स भी ला सकते हो। अब पहाड़ों में होटल की जगह होम स्टे बुक करने का एक बड़ा बेनिफिट है कि यहाँ आपको होम कुक फूड मिल जाता है, क्योंकि पेलिंग में आपको रेस्टोरेंट बहुत कम मिलेंगे, और अगर मिलेंगे तो भी खाना बहुत ही महंगा होता है। हमने हमारे 2 डेज के स्टे में ब्रेकफास्ट और डिनर होम स्टे से ही ऑर्डर किया था, और जिस दिन हम यहाँ पहुँचे उस दिन भी लंच यहीं से किया। एंड बिलीव मी, कई बार तो हमें ये भी नहीं पता होता था कि कौन सी डिश बनी है, बट जो भी हमें इन 2 दिनों में सर्व किया गया सब कुछ बहुत ही टेस्टी और हाइजीनिक मिला था। यहाँ वेज और नॉन वेज दोनों ही आपको मिल जाएंगे, और अगर आप चाहो तो यहाँ बारबेक्यू जैसे फैसिलिटी भी अरेंज कर दिया जाता है, तो आप पहले से ही अपना ऑर्डर देके रख सकते हैं। इनफैक्ट शाम को हमें पकोड़े और चाय भी दिया गया, और कंचनजंगा के व्यू लेते हुए चाय और पकोड़े मानो किसी डिलाइट से कम नहीं थे। सो गाइज, ये है द ब्लू हेवन के केयरटेकर और यहाँ पे ओनर भी हैं, तो पीयूष जी हैं, इन्हीं का होम स्टे है। अभी 2 दिनों से हम लोग यहाँ पे थे, बहुत अच्छे से ख्याल रखा है इन्होंने, एकदम घर वालों की तरह, एकदम फील नहीं होने दिया कि हम लोग होटल में बाहर रुके हुए हैं, क्योंकि ये होटल नहीं होम स्टे है। और हम लोग सर आशा करते हैं कि दोबारा जब आएंगे तो आपके यहाँ दोबारा स्टे करेंगे, अलग महीने में आएंगे, थोड़ा सा और अलग नज़ारा होगा, बर्फ बर्फ रहेगा और भी अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच सर, एंड आप लोग के साथ भी 2 दिन हम रहे, इतना खुश लगा, अच्छा है आप लोग भी, एंड शेप जर्नी, फिर आना। हाँ, ठीक है, चलो अब चलते हैं रवांगला की तरफ, चेक आउट करते हैं। ओके, शेप जर्नी, बाय बाय, बाय बाय, ओके, थैंक यू। सो आई एम श्योर
होम स्टे आपको भी काफी पसंद आया होगा। अब और भी ज्यादा पसंद आएगा जब आप इस होम स्टे के प्राइस सुनोगे, और साथ ही अगर आप हमारा डिस्काउंट कोड यूज करते हो तो 20% एडिशनल डिस्काउंट भी मिलेगा। सो गाइज, अगर रूम की बात करें तो वो आपको नॉर्मल रेट्स में 1500 रुपीज पर डे में मिल जाएगा। रूम विथ ब्रेकफास्ट का आपको पर डे में 1700 रुपीज पड़ेगा, और अगर आप पर हेड रेट्स में बुकिंग करते हो तो बेड ब्रेकफास्ट एंड डिनर का आपको पर हेड 1200 रुपीज लगेगा पर डे, और अगर आप इसके साथ लंच भी इंक्लूड करते हो तो 1300 रुपीज पर हेड लगेगा। बट अगर आप बुकिंग के टाइम हमारे चैनल का डिस्काउंट कोड DS@20 होम स्टे मैनेजर अर्णव जी को बताते हो तो आपको इन सभी प्राइस पे 20% का फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा। मतलब बस रूम के लिए आपको सिर्फ 1200 रुपीज देना पड़ेगा। Isn't that a value for money deal? अब ये डिस्काउंट होम स्टे ऑनर कब तक अलाउ करते हैं ये तो हमारे हाथ में नहीं है, सो जल्दी से जल्दी आप होम स्टे मैनेजर अर्णव जी के नंबर पे कॉल करके यहाँ बुक करा सकते हैं, या फिर आप हमें भी हमारे इंस्टा पे हमारी आईडी दीप सुमी ब्लॉग्स में डीएम कर सकते हैं। वी विल ट्राई टू गेट यू द बेस्ट डील पॉसिबल। सो गाइज, नाउ यू नो कि अगर आप पेलिंग के लिए प्लान कर रहे हो तो आपको कहाँ स्टे करना है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी और यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और इसी तरह से टूर्स ट्रेवल्स एंड होटल्स की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल दीप सुमी ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करने मत भूलना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए कीप ट्रेवलिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।